मैं देखा ही नहीं अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं। संडे का इंतज़ार तो सभी को होता है और आज हम फिर से निकल पड़े ऑफ रोडिंग के लिए, कुछ नया अनसीन एक्सप्लोर करने के लिए। आज हमने एक लोकेशन फिक्स किया था लेकिन वहाँ कुछ क्राउड होने वाला था, इसीलिए हमने अभी दूसरा लोकेशन ढूंढा है। वो तो लोकेशन फाइनल नहीं है और आज हमारे साथ है मास्टर मयंक, ये भी आज ऑफ रोडिंग एंजॉय करेगा। ये जो पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, यहीं पे हम कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। धूप तो काफ़ी तेज़ लग रही है आज। और ये आ गया हमारा मीटिंग पॉइंट, और अभी तो सिर्फ एक ही थार खड़ी है वहाँ पे, लेकिन अभी ये जिप्सी हमारी वाली थार, ओल्ड थार, स्कॉर्पियो गेटवे और इस सुहित भाई की थार। काफ़ी मॉडिफाइड व्हीकल से सिर्फ हमारे वाली और योगेश भाई की स्टॉक थार है, और शायद ये वही डिस्कस कर रहे कि यहाँ पीछे जाए। और आफ्टर डिस्कशन वी स्टार्टेड। भाई इतनी गाड़ियाँ जब एक के पीछे एक चलती है तो माहौल तो बनता ही है। वैसे रास्ता काफ़ी ख़राब था, जगह जगह पानी भर चुका था। इन गाड़ियों को क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसे पानी से। हाँ लेकिन गाड़ियाँ तो गंदी हो रही है। दो चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है इसलिए ऐसा हाल है। और सुहित भाई आगे जाके देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऑफ रोडिंग टेरेन है, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला इसलिए वापस आ गए। और फिर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है या नहीं। और ये रूबिकॉन स्किट हो रही है लेकिन आसानी से निकल गई। बहुत दिनों से कंटिन्यू बारिश होने के कारण पूरा कीचड़ हुआ है यहाँ पे, इसलिए गाड़ियाँ बहुत स्किट हो रही है। और हाँ, ये रूबिकॉन जब हम निकले थे तब नहीं थी, बाद में ये ज्वाइन हो गई बबलू भैया के। यहाँ ऊपर चढ़ने में गाड़ी थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन डिफरेंशियल लॉक होने की वजह से गाड़ी आसानी से ऊपर आ गई। एंड द वीडियो क्रेडिट गोज टू मास्टर मयंक। अरे सुहित भाई,
काफ़ी आसानी से इन्होंने भी यहाँ से गाड़ी उतार ली। और ये जिप्सी वाले भाई तो यहाँ से टेरेन क्रॉस करके आगे चले भी गए। द गेटवे ऐसी जगहों से रास्ता ढूंढना या बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गेटवे तो अपना रास्ता कहीं से भी बना लेती है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है और टायर्स भी। यहाँ थोड़ा घूमने के बाद हम निकल पड़े हैं वापस, क्योंकि और तो यहाँ कुछ एक्सप्लोर या ऑफ रोडिंग टेरेन हमें दिखा नहीं। और नज़ारा तो यहाँ का भी बाग काफ़ी खूबसूरत है। वाटर क्रॉसिंग वन मोर, और ये आ गए फिर हम वहीं मेन रोड पे। और आगे जाने के बाद पता चला कि सुहित भाई की गाड़ी की हवा थोड़ी सी कम लग रही थी, इसीलिए हमें करना पड़ा टायर चेंज। और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वो टायर चेंज हो गए। यही होता है ग्रुप का फ़ायदा, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑफ रोडिंग को अगर जाना है तो कुछ गाड़ियाँ साथ होनी ही चाहिए। यहाँ पर करेंगे कुछ ऑफ रोडिंग, क्योंकि यहाँ पे तालाब का काम चल रहा है, पानी भी है और यहाँ ट्रैक्टर्स भी है, तो यहाँ पे रास्ता हो सकता है। ये फर्स्ट थार, वाटर क्रॉसिंग, और सुहित भाई को शायद ये मंजूर नहीं था, तो इन्होंने कुछ तो ये कुछ अलग ही एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो ये चले गए दूसरी ओर कुछ एक्सट्रीम करने। और उसके बाद हम भी चले गए वहाँ पे, और ये हमारी वाटर क्रॉसिंग। यस, सेम स्लोमो, अब आया मजा।